गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई एम मीरा कटारिया एंड वेलकम बैक टू माय चैनल द वाओ फैक्टर। सो सबसे पहले आप सबको हैप्पी रिपब्लिक डे। आज है 26 जनवरी और हम किस तरीके से सेलिब्रेट कर रहे हैं इस 26 जनवरी को, आइए आपको दिखाती हूँ। तो हमारी सोसाइटी में जो है वो इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है, वैसे तो हर साल करते हैं, आज थोड़ा सा अलग तरीके का है। बच्चों के लिए काफ़ी ज़्यादा यू नो एक्टिविटीज़ हैं, लाइक ड्राइंग, सिंगिंग कॉम्पिटिशन, इफ़ यू नो पार्टिसिपेट इन अ पोएम यू कैन, और इनफैक्ट बच्चों के साथ साथ बड़ों के लिए भी है, एल्डर्स हैं उनके लिए भी है। तो इस तरीके से प्रोग्राम सेट है, साथ में लंच है, ब्रेकफास्ट है, कुछ इस तरीके से है। तो आइए दिखाती हूँ, हमारी जैसलीन जो है वो भी अभी प्रैक्टिस कर रही है, क्योंकि अभी हम निकलने वाले हैं, क्योंकि 10 बजे का टाइम है फ्लैग होस्टिंग का, उसके बाद 10:10 पे ड्राइंग कंपटीशन जो वो शुरू हो जाएगा। आई नो अभी बहुत ठंड है और सूरज भी नहीं निकला है, धूप तो बिल्कुल भी नहीं है, तो देखते हैं बच्चे कैसे मैनेज करते हैं। बट अपनी जैसलीन को अच्छे से कवर करके लेके जाऊँगी, तो आइए दिखाती हूँ। ये देखिए हमारी जैसलीन जो है वो अभी प्रैक्टिस कर रही है ना जैसलीन, अभी सन बना रही है। ये इसने बनाया है फ्लैग, मतलब ऑब्वियसली यही होगा थीम, तो मैंने इसको यही प्रैक्टिस कराया है। हालांकि उसको आता है, सब कुछ आराम से कर लेती है वो, तो स्टार्टिंग से ही आपने देखा अगर मेरी वीडियोस देखी होगी तो, ये जब आई थिंक 1 ईयर की हुई थी तब से इसको पेंटिंग ड्राइंग करने का बड़ा शौक है, तो वही सब करती रहती है। तो अभी नाश्ता करते हैं और निकलते हैं, तो चलिए फिर चलते हैं। टाइम हो गया है 10 बजे जो है वो फ्लैग होस्टिंग होगी और 10:15 बजे जो है वो ड्राइंग कंपटीशन स्टार्ट हो जाएगा। तो अब हम लोग बस पहुंचने ही वाले हैं, 10 बजने में अभी आई थिंक 5 मिनट बाकी हैं। और यहाँ पे देखिए कितना अच्छा डेकोरेशन किया हुआ है, हमने थोड़ा बहुत यहाँ पर फ़ोटो सेशन कराया। तो हम लोग यहाँ पर आ गए हैं, एंटर कर लिया है, ये गार्डन है हमारे सोसाइटी का और सारी डेकोरेशन सब कुछ जो है वो हो चुका है, एक रात पहले ही हो गया था। और खाने का, स्नैक्स का, ब्रेकफास्ट का अरेंजमेंट है यहाँ पे, तो हम लोग पहुँच गए हैं। जैसलीन जो है वो सुपर एक्साइटेड है और ओजस को हम लोग नहीं लेकर आए, क्योंकि ऑब्वियसली गार्डन है तो काफ़ी ठंड है यहाँ पे, धूप भी नहीं निकली है, देखते हैं धूप निकलेगी तो हम ओजस को ले आएंगे। तो और अब ओजस को जो उसके पापा संभाल रहे हैं घर पे, तो यहाँ पे जो था मेरे को जैसलीन को सपोर्ट करना था, हेल्प करना था, तो इसलिए मैं जैसलीन को के साथ मैं आई हूँ, ओजस को इसलिए नहीं लेकर आई, क्योंकि अगर ओजस आता, आपको पता है ओजस अभी बहुत छोटा है, ही इज़ ओनली 10 मंथ्स ओल्ड, तो अभी इसको थोड़ा सा वो रहता है कि पूरी यू नो अटेंशन की ज़रूरत होती है। और यहाँ पे देखिए कुछ इस तरीके के स्टॉल्स भी लगे हुए हैं और ये रहा सामने का सिटिंग अरेंजमेंट, और सामने जो है वो आप स्टेज देख रहे हैं। ऑलमोस्ट सारे सीनियर सिटीजन जो है वो आ गए हैं, सोसाइटी के लोग भी आ गए हैं। तो अभी सबसे पहले हम लोग फ्लैग होस्टिंग कर रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया सबसे पहले फ्लैग होस्टिंग होगी, उसके बाद सब कुछ स्टार्ट होगा। तो बच्चे जो है सीनियर सिटीज़न जो है वो आगे कर लिए हैं सब, ताकि उनकी हेल्प से हम लोग फ्लैग होस्टिंग करें। तो हम लोग यहाँ पे खड़े हैं और चलिए फ्लैग होस्टिंग करते हैं। उसके बाद हम लोगों ने राष्ट्रगान किया। इनफैक्ट जैसलीन बहुत यू नो बार बार पूछ रही थी, मम्मा ड्राइंग कंपटीशन कब स्टार्ट होगा, तो आई वाज लाइक स्टार्ट होगा, जल्दी होगा। और आपको बता दूँ अभी अयोध्या की वजह से अभी सब जगह राम की धूम है, राजा रामचंद्र की। सो यहाँ पे फ्लैग होस्टिंग करने के बाद हम लोग यहाँ से चले और जाके स्टेज पे बच्चों को सिटिंग कराना था, ताकि वो लोग अपना जो ड्राइंग कंपटीशन है वो टाइमली स्टार्ट कर सकें। तो बेस्ट पार्ट ये था कि सब कुछ टाइमली हो रहा था, ऐसे नहीं था कुछ डिले हो रहा है। तो यहाँ पे हम लोग आ गए हैं, बच्चों को यहाँ पे खड़ा कर दिया है, ताकि वो लोग ग्रुप वाइज, क्योंकि एज ग्रुप वाइज सब लोगों को डिवाइड किया गया था, तो एज के अकॉर्डिंगली ग्रुप डिवाइड किए गए होते हैं, जैसे 3 to 7, 3 to 5 है, फिर 5 to 7 है, तो इस तरीके से ग्रुप डिवाइड किए होते हैं। और उसी के अकॉर्डिंगली जो टॉपिक था ड्राइंग कंपटीशन का वो भी था, तो जैसलीन को जो टॉपिक मिला था वो था जो उसके सामने गार्डन है, वो गार्डन उसको बनाना है। तो ऑब्वियसली गार्डन में फ्लैग होस्टिंग अभी ही हुई है, तो फ्लैग लगा हुआ है, प्लांट्स है, फ्लावर्स है, गार्डन है, सन है, तो सब कुछ है, तो उसने वो बनाया। इनफैक्ट मैंने, जैसे आपने देखा होगा स्टार्टिंग में, मैंने इसको प्रैक्टिस भी कराया था, तो उसमें उसने ऐड ऑन चीज़ें करी गार्डन के अकॉर्डिंगली, तो वो उसका यू नो ये है प्रेजेंट ऑफ माइंड है कि उसने देखा कि गार्डन में क्या है। इनफैक्ट वो चारों तरफ देख रही थी बार बार,
तो वो गार्डन में देख रही थी कि गार्डन में और क्या क्या चीज़ें हैं और मैं क्या बना सकती हूँ। तो दिस इज़ कॉल्ड प्रेजेंस ऑफ माइंड। तो ये जैस्लिन ने है ड्रॉ कर लिया। ड्रॉ करने के बाद कलरिंग भी करनी थी, विच इज़ लाइक जैस्लिन अपने आप सब कुछ कर रही थी, उसको बताने की ज़रूरत नहीं थी कि बेटा आप कलर शुरू स्टार्ट कर दो, अब ये स्टार्ट कर दो। तो शी इज़ सो एक्टिव, तो उसको ड्रॉइंग करना तो वैसे ही पसंद है। तो सब लोग यहाँ पर आ गए हैं और तो हमारी जैस्लिन ने उसने कलरिंग भी स्टार्ट कर दी अभी करना, बच्चे सब कर रहे हैं। मैं उसके लिए सब कुछ लेकर आई थी घर से ही, टेबल हो गया, शीट हो गई, कलर्स हो गए, सब कुछ अपना लेकर आना था। तो मुझे ये था जैस्लिन ऐसे कंफर्टेबल होगी, क्योंकि बच्चों को ना उस तरीके से कंफर्टेबल नहीं रहता, क्योंकि मैं ड्राइंग में जब स्कूल में थी तो मैं ड्राइंग में काफ़ी अच्छी थी, तो ड्राइंग्स में काफ़ी मैंने मेडल्स जीते हैं, सर्टिफिकेट्स जीते हैं। तो आई नो वेयर यू कंफर्टेबल एंड हाउ यू कंफर्टेबल, तो हमें क्या क्या चीज़ें रिक्वायरमेंट होती, तो उसी के अकॉर्डिंग उसको ध्यान रखते हुए मैंने जैस्लिन के लिए वो सब चीज़ें अरेंज करी और उसने बहुत ही कम्फर्टेबली ये किया। और प्लस पॉइंट ये था कि जैस्लिन ने ऑन टाइम नहीं बोलूँगी, टाइम से पहले ही अपना जो शीट है वो सबमिट करा दी। एंड टीचर वॉज लाइक अच्छा आपका फिनिश भी हो गया। तो जैस्लिन फिनिश करने के बाद अपना खेलने चली गई थी। तो ये देखिए अब ड्रॉ करने के बाद जैस्लिन जो है वो कलरिंग कर रही है और साथ में फिनिशिंग भी कर रही है। तो उसको मैंने बहुत छोटी छोटी चीज़ें सिखाई थी, बच्चे को आता सब कुछ है, आपको छोटे छोटे पॉइंट्स उसको बताने होते हैं कि ये करने से कैसे इन्हेंस हो सकती हैं चीज़ें, तो वो उस चीज़ की प्रैक्टिस आपको करानी पड़ती। सो फाइनली हमारी जैस्लिन की पेंटिंग हो गई है ख़त्म। तो जो आज के चीफ गेस्ट हैं वो आ गए हैं, प्रवेश वाही जी हैं तो वो चीफ गेस्ट हैं आज के। और हम लोगों ने मैंने अपनी दीदी को भी इनवाइट किया था यहाँ पे, इनफैक्ट छुट्टी थी उनकी तो उनका प्लान था आने का, तो मुझे लगा चलो फिर साथ में एंजॉय करेंगे। तो बाद में वो ओजस को ले आई थी तो यहाँ पे ओजस भी आ गया था, उसके बाद भी फ़ोटो सेशन कराया हमने, और ये मैं और मेरी जैस्लिन। उसके बाद प्रोग्राम जो है हम लोगों ने आगे अटेंड किया। तो जब हमारे जो चीफ गेस्ट थे वो आए तो उन्होंने यहाँ पे जैसे कि वो करते हैं ना दीप प्रज्वलित करते हैं वो किया, उसके बाद सारी सेरेमनी और स्टार्ट करी। तो प्रवेश वाही जी हैं जो हमारे यहाँ के बीजेपी के अध्यक्ष हैं तो वो आए थे यहाँ पर, तो उनको हमारे जो सीनियर सिटीजन हैं उन्होंने सम्मानित किया और काफ़ी अच्छा यू नो माहौल हो गया था उनके आने के बाद। तो ये मैं और मेरी दीदी यहाँ पे बैठे हुए हैं, वेट कर रहे हैं, क्योंकि ड्राइंग कंपटीशन के बाद ही अनाउंस होने वाला था। तो अगर मैं जैस्लिन की बात करूँ तो उसने बहुत अच्छी ड्राइंग बनाई थी। सब पेरेंट्स को लगता है कि उसके बच्चे ने बहुत अच्छी ड्राइंग, मतलब जो भी काम करता है वो बहुत अच्छा करता है, बट नो मैटर उसने बहुत अच्छी बनाई थी। कंपैरेटिवली मैं और बच्चों की देख रही थी तो जो टॉपिक थे वो काफ़ी अच्छे थे, चंद्रयान था, राम मंदिर बनाना था, जो बड़े बच्चे थे। तो जैस्लिन ने शी डिड अ ग्रेट जॉब और उसके लिए उसको मिला फर्स्ट प्राइज। जी हाँ, देखिए आगे देखिए। आई कांट एक्सप्लेन की कितनी ज़्यादा खुशी हो रही थी जब मेरी बेटी का नाम अनाउंस हुआ। आई वाज लाइक मैं भाग के स्टेज पे चली जाऊँ। तुम यू नो बीइंग अ पेरेंट्स हमें हमेशा प्राउड फील कराती है जैस्लिन हमारी, और हम लोगों को बहुत ट्रस्ट है उस पर, बहुत ज़्यादा विश्वास है कि वो जो भी करेगी बहुत अच्छा करेगी अपनी लाइफ में। सो थैंक यू सो मच गॉड। माँ की लाज बचाने के लिए मुंह तोड़ जवाब दिया भारत के इन जाबाजों ने। तो हमारी सोसाइटी में ही है एक डांस इंस्टीट्यूट जहाँ पे मुझे जैस्लिन को डालना है, और मेरा भी सपना है डांस सीखने का वहाँ पे, भरतनाट्यम और कथकली। तो ये उन लोगों की प्रस्तुति है, वो लोग यहाँ पे डांस करने वाले हैं आगे। बहुत सुंदर डांस किया था इनफैक्ट, ये लोग इंटरनेशनल लेवल पर भी परफॉर्म कर चुके हैं और करते हैं। तो मेरा बड़ा ड्रीम है क्योंकि जैस्लिन 5 साल के बाद वहाँ पर एडमिशन होता है,
तो नेक्स्ट ईयर आई एम श्योर मैं जैसलिन को वहाँ पे एडमिशन कराऊंगी, साथ ही साथ मैं भी एडमिशन लूंगी उसके साथ साथ। ओजस जो है वो थोड़ा सा और बड़ा हो जाएगा, तो हम लोगों ने यही प्लान किया है, क्योंकि मेरा बड़ा हमेशा से मन था कि जब मेरी बेटी जब भी कुछ सीखेगी ना, मैं उसके साथ सीखूंगी। तो जो मेरे सपने मैं अपनी बेटी के साथ पूरे करूंगी, और वो भी बड़ी एक्साइटेड रहती है कि मम्मा ये करेंगी, मम्मा वो करेंगी। इनफैक्ट जैसे कि मैंने आपको बताया, वो मुझे अपना रोल मॉडल मानती है, और मैं उसके लिए वो हमेशा बनकर रहना चाहती हूँ, ताकि वो मुझे फॉलो करती रहे, मुझसे इन्फ्लुएंस होती रहे। शहीदों और मुहाफिजों को सलाम है, सलाम है, सलाम है। सो फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और इसी तरीके से मुझे अपना प्यार देते रहिए। वंदे मातरम, और हैप्पी रिपब्लिक डे टू एवरीवन। थैंक्स फॉर